हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा रहा हूँ, देखिए डर के माहौल में चार शेयर्स पे दाव लगा रहे हैं सब लोग। इन चार शेयर्स पे क्यों दाव लगा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। और आपके पास इनमें से अगर कोई शेयर है तो बहुत ही बढ़िया बात, अगर नहीं है और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो देखिए इन शेयर्स को, क्या इनके फंडामेंटल्स हैं, क्या इनके टेक्निकल्स हैं, उन सारी चीजों को समझें। और डर के माहौल में क्यों ये चारों स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि गिरावट का डर जो चल रहा है आज की डेट में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप नए इन्वेस्टर हो और आपके पास अब तक डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। सीधे लेके जा रहा हूँ इन चारों स्टॉक्स की तरफ आप। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज की। जरा समझे इंश्योरेंस कंपनीज, और ये वो इंश्योरेंस कंपनीज है टर्म इंश्योरेंस। आप देख रहे हो कि किस तरीके से वायरस का अटैक चल रहा है और यहाँ पे लोग टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली खरीदने की कोशिश करेंगे, अभी से खरीदने लग जाएंगे। और इनके प्रीमियम्स भी कुछ टाइम बाद देखिए हाई भी होने लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जितना रिस्क है प्रीमियम उतना हाई होता है, आप सबको पता है। और क्या अब मेरा एक क्वेश्चन यह है इंश्योरेंस कंपनीज की, तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा था इंटरनेट पे कि नेचुरल डिजास्टर वाली चीज है, सपोज मान लीजिए कि किसी की डेथ यहाँ पे अर्थक्वेक से होती है या फिर किसी और नेचुरल डिजास्टर सुनामी जैसी की वजह से होती है, तो वो कवर नहीं होता। बट क्या ये वायरस एंड ऑल वाली चीजें जो है वो ये टर्म इंश्योरेंस में कवर होती है नहीं होती? आपका क्या मानना है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है इसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है ये वायरस को भी नेचुरल डिजास्टर कहीं कंपनीज इसको क्लेम ना कर दे। और अगर आप इंश्योरेंस सेगमेंट से हो या इसके बारे में बेहतर जानते हो तो जरूर बताएं कमेंट के थ्रू, ताकि और व्यूअर भी यहाँ पे उनको पता लग पाए कि हाँ जो ये टर्म इंश्योरेंस है वो इस टाइम पे, क्योंकि मेजर जो डर है वो वायरस का है, क्या ये चीज क्लेम में आएगा या नहीं आएगा। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं इन इंश्योरेंस कंपनीज की, क्योंकि इनके ऊपर दांव अच्छे खासे खेले जा रहे हैं अभी। SBI लाइफ इंश्योरेंस टॉप की कंपनी है इंश्योरेंस सेगमेंट में। 88,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 885 का प्राइस, जीरो डेट की कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत पैसा है। 32% का सेल्स ग्रोथ और 16% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ। अगर इस स्टॉक को देखो तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है भाई, प्रीमियम आ रहा है और क्या। लेकिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर आप शेयर को देखोगे तो देखिए ऑलमोस्ट ₹1,000 के लेवल से करेक्शन जरूर आई है। यहाँ पे जनवरी में जो बड़ी सेलिंग इसमें हुई थी उसके बाद मुझे इस वायरस की वजह से इतना इम्पैक्ट इस शेयर में देखने को नहीं मिल रहा है। जरा देखें किस तरीके से मार्केट पिछले वीक में धड़ाम हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। ये क्लियर कट साइन है। देखिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 50 वीक्स का ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसका सपोर्ट ये ले सकता है या फिर यहीं से ऊपर आ सकता है। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, कि कौन से शेयर को इम्पैक्ट ज्यादा होने वाला है, कौन से शेयर को ना के बराबर इम्पैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ये लाइफ इंश्योरेंस SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा, और मुझे लगता है कि अगर ये लेवल जो है 956 के लेवल को पार करता तो एक पॉजिटिविटी जरूर इसमें देखने को मिल सकती है। बट मेरा क्वेश्चन फिर भी वही रहेगा, क्या वायरस वाली डेथ जो है वो यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस में कवर होती है नहीं होती है? फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ ये SBI लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल दिख रही है। अगर करेक्शन आता है और 840 के लेवल पे ये शेयर जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल वाला। लेकिन शेयर को गिरते हुए नहीं खरीदना, शेयर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी तो दिखे तभी तो खरीदने में जो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं शेयर को खरीद रहा हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी। आवरली बेसिस पर आप देख पा रहे हो कि बॉटम जरूर बना रहा है ये। और इसके अलावा मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे देखिए दूसरे शेयर की तरफ जो हमारे पास है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब HDFC लाइफ 114,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 568 का प्राइस है। फंडामेंटल अगेन ऑसम फंडामेंटल्स, कोई कमी नहीं है टेक्निकल लेवल। और समझने की कोशिश करते हैं, देखिए कौन सी है HDFC लाइफ। अगर आप देखें यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका 5 मिनट का चार्ट है, इसका मैं लेके जा रहा हूँ आपको मंथली चार्ट की तरफ। देखिए पिछला मंथ पूरा डाउन रहा था, इस मंथ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। पिछले वीक में देखिए इतनी बड़ी गिरावट नहीं है और वापस रिकवरी देखने को मिली। ये स्टॉक ऑलरेडी अपने 50 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज से अपसाइड मोमेंटम इसने ऑलरेडी दिखा दिया, 50 वीक्स का सिंपल नहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। और अगर मैं यहाँ पे डेली पे जाके देखूँ, डेली में जाके 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टच करके स्टॉक में पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा
जो मेन रीजन होता है कि स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, उसके साथ जो फॉर्मेशन है वो हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन देखने को मिले तो काफी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी ये 580 का लेवल है, अगर इसको पार करता है तो इसका पुराना हाई पार होके नया हाई बन जाएगा। एक जो करेक्टिव यहाँ पे आपको इसका दिखेगा, ये करेक्टिव नहीं, फिर ये इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये 600 की रेंज पार करता है तो और भी अच्छा इसमें स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज में जो है वो खूब दाव खेला जा सकता है ऐसे मोमेंट में स्टॉक। लेकिन नो डाउट आप ये मान के चलिए कि 640 650 के लेवल से गिर के नीचे जरूर आया है 540 के लेवल पे, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट में इसको नहीं कंसिडर कर सकता क्योंकि बाकी कंपनीज में बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। अगर उनसे कंपेयर करोगे दिस इज नथिंग मैं कहूंगा। उसके अलावा हमारे पास और शेयर है ICICI पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर मैं सारे इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स को आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ और साथ के साथ आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ कि क्या वायरस से जो डेथ होती है वो यहाँ पे क्लेम होती है या नहीं होती, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं इस चीज़ को। करंट प्राइस अगर मैं देखूँ तो 440 का प्राइस है और यहाँ पे डेट ना के बराबर, 25% की सेल्स ग्रोथ इसकी भी अच्छी खासी है। अगर ओवर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिली है, लेकिन स्टॉक ने मोमेंटम बहुत ही ज़बरदस्त दिया है। अब इसके चार्ट की तरफ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे पास ICICI प्रू। देखिए ICICI प्रोडेंशियल लाइफ को अगर देखें, अगेन दिस स्टॉक इज एट द सेम लेवल ऑफ 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, ये देखिए आप क्लियरली। लेकिन अगर इस पॉइंट को तोड़ता है 438 के तो फिर रिस्क यहाँ पे ज्यादा रहेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक पर्टिकुलर लेवल को, जो ये 500 की सीरीज दिख रही है मुझे यहाँ पे, रेंज दिख रही है, इसको तोड़ना जरूरी है तभी यहाँ पे ऊपर पॉजिटिविटी आएगी। फिलहाल सपोर्ट जरूर लिया है यहाँ पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, और आप देख सकते हो स्टॉक को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि डाउन जा रहा है। मंथली पे देखूँ मैं अगर तो मंथली में स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इवन मंथली पे भी ये स्टॉक जो है आपके 20 EMA को टच करने वाला है, 20 EMA को, और वीकली पे ऑलरेडी 50 EMA वीक के पास ये स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं आप इन शेयर को देखें, नजरें बनाए रखें। अभी हमने 3 शेयर डिस्कस किए और अगला ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का जनरल इंश्योरेंस देता है जनरली है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी है। इसको देखते हैं, 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1215 का प्राइस है। और इसके अगर टेक्निकल को मैं देखूँ ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पे ये कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी फेवरेबल हो जाएंगी कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे तो, क्योंकि हर कोई जो है इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ भाग रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे गिरावट जरूर आई, गिरावट के बाद इस वीक में एक स्ट्रांग पॉजिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने 50 वीक्स सिंपल मूविंग एवरेज को टच करके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि वीक जो है वो पॉजिटिव जरूर है लेकिन रेडिस जोन में पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखूँ तो एक पॉजिटिविटी जरूर दिखा रही है, लेकिन ये पॉजिटिविटी जो है वो एक करेक्टिव फेज भी हो सकता है। इसी चीज को मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी एंट्री लेने, जैसे कि देखिए डाउनसाइड मोमेंटम जब भी आप देख रहे हो, दिस इज एन इम्पल्स, ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, दिस इज एन इम्पल्स एंड दिस इज एन करेक्टिव फॉर दैट इम्पल्स, दिस इज एन इम्पल्स, दिस इज एन करेक्टिव फॉर दैट इम्पल्स, दिस इज एन इम्पल्स एंड नेक्स्ट विल बी द करेक्टिव फॉर दैट इम्पल्स एंड नेक्स्ट इम्पल्स विल स्टार्ट आफ्टर दैट। तो ये चीज समझने की आपको जरूरत है हर फ्रंट पे, इसीलिए मैं आपको टेक्निकल कहता हूँ कि टेक्निकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग क्या होते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई लॉन्ग कर लेते हैं, जो स्विंग ट्रेडर है नो डाउट वो टाइम पे निकल जाते हैं। स्विंग ट्रेडर के लिए फायदा ही होता है, वो अपने स्टॉप लॉसेस को देखते हैं और अपनी स्विंग देखते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट दिख रहा है, और जब चार्ट डिटेरियोरेट होते हुए दिखता है तो वो बुक करके अपना निकल जाते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे। इवन जैसे स्विंग ट्रेडर ने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो अपना देखेगा कि कितना कितना लेवल तक मुझे जाना है, या चार्ट जो है उसकी कंडीशन जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा तो वो बेच के निकल जाते हैं। यही स्विंग ट्रेडर का काम है और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए, मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SBI वाली सबसे टॉप की कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और साथ के साथ ICICI पोटेंशियल लाइफ, साथ में हमने ICICI जनरल लोम्बार्ड की भी बात करी, लेकिन पहले की 3 कंपनीज है जो कि आपको बांटती है क्या टर्म इंश्योरेंसेज, और ये लिस्टेड कंपनीज हैं, डेट फ्री कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो है बिक्री यहाँ पे बढ़ने वाली है। जो इंश्योरेंसेज हैं ऑलरेडी बहुत सारे, अब आप कहोगे एक चीज और मैं कहूँगा यहाँ पे, अब आप कहोगे बिक्री कैसे बढ़ने वाली है अगर टर्म जो ये वायरस के कारण जो डेथ होती है वो अगर क्लेम में यहाँ पे
इनको क्लेम करना पड़ेगा तो इनको घाटा भी हो सकता है, डेफिनेटली इनको घाटा भी हो सकता है, वो तो ये ऑलरेडी लेके चलते हैं, बट अगर परसेंटेज वाइज जो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बार बार कि क्या वायरस के थ्रू जो डेथ होती है वो टर्म इंश्योरेंस में कवर होती है या नहीं होती। तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं अगर आप यहाँ पे जो इंश्योरेंस सेक्टर से हो या आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ताकि और भी व्यूअर्स को जो है पता लगे। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। यहाँ पे मैंने ये चार शेयर्स आपको दिखाए, इन चार शेयर्स में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है, खास करके इन तीन शेयर्स में मैं कहूंगा जो कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीजें, क्यों ये चीजें मैं आप ये आपको टाइम टू टाइम बता रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको IRCTC के बारे में बताया था कि भयंकर गिरावट आ सकती है और वो शेयर 10% आज की डेट में गिरा। एयरलाइन के स्टॉक्स में बताया था उनमें भयंकर गिरावट आई। इवन मैंने आपको PVR एंड ऑल मूवीज के स्टॉक्स में बताया था कि वहां पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो वहां पे गिरावट आई। और आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर्स में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है आपको। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।